नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि जब भी आप कनाडा जैसे शहर में आते हैं तो उनका एजुकेशन सिस्टम आप उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा तगड़ा, बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं कुछ डिफ्रेंसेस बताऊँगा जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किए हैं। ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट मुझे लगता है हम इंडियंस को ज़्यादा पढ़ाई करते हैं हम, और एक चीज़ में हम बहुत ज़्यादा ही, हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। एक कोर्स हुआ, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट में छोटे छोटे क्विजेज, असाइनमेंट्स, टेस्ट, जितने भी रेगुलर बेसिस में आपकी क्लास में होते रहते हैं, उन सब के मार्क्स कंपाइल होते रहते हैं। मतलब उनकी भी वेटेज है, जो आपके छोटे मोटे असाइनमेंट टेस्ट जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर। इनफैक्ट आप अटेंडेंस जो रेगुलर मेंटेन करते हैं उसकी वैल्यू होती है। तो यू डोंट हैव टू वरी कि आप अगर इन दी एंड फाइनल एग्जाम जो आता है आपका, तो उसकी वेटेज 50% से कम ही बचती है। अगर यानी 50% आप ऑटोमेटिकली अक्यूमुलेट कर लेते हैं बिकॉज आपने असाइनमेंट टाइम सबमिट किए हुए हैं, आपने क्विजेज अच्छे से किए हैं। क्विजेज क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ाया एक सब्जेक्ट के अंदर, उसके क्विज हो गए, उसके बेसिस में असाइनमेंट हुआ, वो पार्ट ख़त्म हो गया। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको एग्ज़ाम भी देना नहीं पड़ता है, जिस क्विज और असाइनमेंट्स। लेकिन यहाँ पर असाइनमेंट्स हमारे इंडिया से बहुत डिफरेंट क्या होते हैं, हमारे इंडिया में असाइनमेंट जो हमने खुद में, मैंने खुद ने ऑब्जर्व किए, खुद ने हमने ऐसे क्या काम किया हुआ है कि एक बंदा करता है, पूरी क्लास कॉपी कर लेती है, सबको सेम सिमिलर टाइप के मार्क्स, सेम चीज़ हो। यहाँ पर असाइनमेंट सिचुएशन बेस दिए जाते हैं और उसके अंदर यहाँ पर एक टर्निटिन करके सीन है, तो टर्निटिन पे अपलोड किया जाता है आपका, और उससे पूरे वर्ल्ड में जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस में हैं, जो भी सारा चेक करता है और फिर बताता है कि आपका जो असाइनमेंट है कितना जेन्युइन है या फिर कितना कॉपीड है। ठीक है, शायद और 10% तक कॉपीड अलाउड होता है, 90% जेन्युइन मांगते हैं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और जो भी टॉपिक पढ़ा है ना, उसके बेसिस सिचुएशन, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बता दिया जाता है कि आपको सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको सिचुएशन का समाधान एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढना है, जो टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक के हिसाब से। वही बिजनेस मैनेजमेंट का काम होता है। यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है आपने तो उसमें उसी टॉपिक के हिसाब से आपको एज अ मैनेजर बता दिया जाएगा कि हाँ जी, आपको एक मार्केटिंग तैयार करनी है एक्स वाई ज़ेड कंपनी के लिए, उसके लिए प्रिपेयर होकर आइए। तो फुल यू प्रिपेयर योर सेल्फ, तो कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता यहाँ पर असाइनमेंट, यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता। इसलिए यानी अगर आप असाइनमेंट करते हैं तो आपको चीज़ पढ़नी भी पड़ती है, और जब आप पढ़ते हैं आपके पास नॉलेज आ जाती है ऑटोमेटिकली। यू एक्ट एज अ मैनेजर, यू एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और वट एवर। तो कोई भी बंदा जो स्पेशली कैनेडा में आ रहा है, तो ईजिएस्ट वे, सबसे ईजिएस्ट कोर्स बताता हूँ, मैनेजमेंट कोर्सेज आर ऑलवेज ईजी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया, बताना चाहूँगा यहाँ पर ना, अगर आप कोई प्रैक्टिकल कोर्स रहते हैं ना जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है, तो ये देश बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रैक्टिकल लर्निंग्स यहाँ पर हर एक कॉलेज में खुल के आपको खुला छोड़ दिया जाता है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, लर्न, प्रैक्टिस ऑन द मशीन्स। हमारे इंडिया में क्या होता है, साला मशीन तो आती है महंगी महंगी, वो जो इंचार्ज होता है वो कुछ करवा के दिखा देता है, टच करने दी नहीं जाती मशीन की, ख़राब हो जाएंगी मशीन, महंगी होंगी, तो बंदा कुछ सीखता नहीं, सिर्फ देखता है, तो हाथ लगाते ही नहीं है मशीनों को, टच भी नहीं करने देते हैं। मोस्ट इंस्टीट्यूशन में यही होता है, इनफैक्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो यही होता है, वो डर के हमारे टच भी करने नहीं देते कि बहुत एक्सपेंसिव मशीन है। बट यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए आ रहे हैं तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल लर्निंग इतनी तगड़ी है यहाँ पर। अगर कोई भी प्रैक्टिकल कोर्स वाला लेंगे ना आप, कोई भी प्रैक्टिकल कोर्स लेंगे जहाँ आपको प्रैक्टिकल सिखाए जाएंगे, करने का मौका मिलेगा, यू विल लव इट, यू विल सीसियरली लव इट, क्योंकि प्रैक्टिकल्स इतने अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं, जैसे आप लिटरली रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, और एज इट इज़ उसकी वैल्यू आपको समझ में आती है जब आप काम करने के लिए उतरते हैं मार्केट में। यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ जी, मैंने सीखा था वही, ऐसा ही काम होता है मार्केट में। लेकिन अगर आप में से कोई प्रैक्टिकल कोर्स लेकर आएगा तो बताऊँ, यहाँ पर हैंड जॉब्स, स्किल्ड लेबर्स की जो वैल्यू है ना, बहुत ज़्यादा है, यू कैन अर्न अ लॉट लॉट। सो प्रैक्टिकल लर्निंग हार्ड रहेगी, वो प्रैक्टिकल जिस कोर्स में होंगे वो थोड़े हार्ड कोर्स रहेंगे, इजी कोर्स नहीं रहेंगे। बट लेकिन जब आपने वो थोड़ा हार्ड टाइम निकाल लिया अपनी लाइफ का, एक साल या दो साल जो भी आप कोर्स लेकर आ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू,
यू विल बी अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी इन अ वेरी लेस टाइम एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु आर चूजिंग अ ईजी कोर्स अ ईजी सब्जेक्ट बिकॉज यू हैव चूजन अ हार्ड सब्जेक्ट हार्ड कोर्स इट सिंपली मीन्स हेयर यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज स्किल्ड जॉब्स आर इन हाई डिमांड स्किल्ड लेबर आर इन हाई डिमांड. सबसे आसान होता है मैनेजमेंट कोर्स करना. टेक्निकलिटी जीरो होती है और मैनेजमेंट में आपको जस्ट अपने मैनेजेरियल स्किल्स सिखाने हैं. वही लर्न करते हैं, मार्केटिंग लर्न करते हैं आप, ठीक है, एचआर के बारे में पढ़. देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स देयर एंड सब मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है. इट्स ईजी. कभी भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, कभी भी कोर्स लें और आपको लग रहा है कि कम मेहनत करनी चाहते हैं, कम मेहनत में आप एक बढ़िया सा कोर्स, तो हमेशा बोलूँगा गो फॉर द मैनेजमेंट कोर्सेज. दे आर द ईजीएस्ट वन. पास होना आसान है, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है. जब पास ही होना आसान है फिर तो क्या ही टेंशन है आपको, ठीक है. कम आए आप कर ही लेंगे, यहाँ पर इनकम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. पढ़ाई ईजी है, आपको जान ही लगता है पढ़ाई इंडिया से तो बहुत ज़्यादा ईजी है. मैं कंपेयर करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगती है, स्पेशली यहाँ पर कंपेयर टू इंडिया. हम 6 महीने का पूरा बल्क करते हैं, रट्टे मारते हैं दबा के, फिर क्वेश्चनों के बारे में चीटिंग, यू नो हाउ थिंग्स वर्क इन इंडिया. बट हेयर जस्ट आपके हर एक सेमेस्टर के अंदर आपके जितने भी क्विज़ असाइनमेंट हो सबकी एक वैल्यू है, एक वेटेज जुड़ा हुआ है जो आपके फाइनली मार्क्स में अक्यूमुलेट होता है एंड आप इजीली पास हो जाते हैं. इनफैक्ट अगर यहाँ पर कोई बंदा फेल होता है ना, वो जेन्युइनली डिजर्व नहीं करता पास होना. ओपनली आई एम टेलिंग यू, यहाँ तो यहाँ फेल होने का मतलब है बंदा असाइनमेंट टाइम सबमिट नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहे, तो फिर तो आप पढ़ने भी क्यों आए हो, तो मजाक ही कर रहे हो, फिर तो आप अपने साथ मजाक कर रहे हो, किसी और के साथ भी मजाक नहीं कर रहे हो, ठीक है. और जैसे एक कन्फ्यूजन और होती है, यहाँ पर जो सेमेस्टर वाइज होता है ना, 1 ईयर होता है वो सिर्फ 8 मंथ का माना जाता है. 4 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है, ठीक है. तो इस तरीके से 8 महीने हैं. मोस्टली एक साल के अंदर आपको सिर्फ 8 महीने पढ़ाया जाता है, 4 महीने आपकी छुट्टी होती है. अगर कोई कोर्स आप 8 महीने का उठा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए कि यार 8 महीने का कोर्स है, इसका मतलब उसकी वो इन द एंड यहाँ पर इक्वलेंस है 1 साल के कोर्स के बराबर, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई ही 8 महीने की होती है 1 साल के कोर्स के अंदर. सो टेंशन मत लीजिए. कहीं भी आप बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों की 8 महीने का कोर्स है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 साल से कम हो गया है तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. 8 महीने यहाँ पर 1 साल ही है. 4 महीने एक सेमेस्टर होता है, फिर ब्रेक आ जाता है लोगों के बीच में, फिर दूसरा सेमेस्टर आता है 4 महीने का. 4 महीने का ब्रेक, 4 महीने क्लासेस. इट्स ईजी. कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क. एंजॉय. थैंक यू. बाय बाय.